अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है दोस्तों। आज मैं आपसे डर्मा सेशन के 2 सीरम का रिव्यू करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कैसे आपकी स्किन पर काम करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्किन लाइटनिंग सीरम के बारे में, ठीक है ना। इसमें AHA है, BHA है। AHA होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का काम होता है डेड सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाना, ठीक है ना। ऊपर से डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, ये केमिकल एक्सफोलिएटर होता है, ठीक है ना। ये आपके डेड सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाएगा, ऊपर से डेड सेल्स को शेड ऑफ करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, तो नीचे से न्यू सेल्स आएंगे। जो न्यू सेल्स आते हैं उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसकी वजह से आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपकी स्किन डल हुई हुई है तो वो भी जो है ना स्किन लाइट होना शुरू हो जाएगी, डार्क स्पॉट भी फेड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग वर्क होता है ग्लाइकोलिक एसिड का, ठीक है ना। दूसरा इसमें होता है BHA। BHA होता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर आपकी स्किन पर वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, कोमिडोन्स हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो उसके लिए बहुत अमेजिंग होता है। आपके वाइट हेड ब्लैक हेड्स को कम करेगा, आपकी स्किन में से जो है ना वो सीबम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। तो ये जो सीरम है ना, ये आपने ऑयली स्किन पर ही लगाना है या नॉर्मल स्किन पर लगाना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई, डिहाइड्रेटेड या सेंसिटिव स्किन पर हरगिज़ नहीं लगाना, क्योंकि इसमें डेड सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाना है और आपकी ऑयल और सीबम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सीरम है स्किन लाइटनिंग के लिए। अगर आप अपनी रंगत को निखारना चाहते हैं तो ये अच्छा सीरम है, ठीक है ना। इसके अंदर विटामिंस हैं, मल्टी विटामिंस हैं, एलोवेरा है। एलोवेरा में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने जो है ना एलोवेरा पे मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है ना वो 30 ml है और इसकी प्राइस जो है ना वो 600 है, ठीक है ना। तो गाइस इसको आप ज़रूर यूज़ करें और मेरे साथ इसके जो है ना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो सीरम है ना डर्मा सेशन का, वो है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम लगाना क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों? इन्वायरमेंटल डैमेज और सन एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन पर बहुत बुरे असरात होते हैं। हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, हमारी स्किन झुलस जाती है, हमारी स्किन जो है ना वो मुरझाई मुरझाई सी लगती है। तो कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 20s में आ गए हैं तो आप कोई स्किन के रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप विटामिन सी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये विटामिन सी जो होता है ना, ये डेड सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, स्किन के सेल्स को रेजुवेनेट करता है, ठीक है ना। तो रेजुवेनेट करने की वजह से हमारी स्किन पर ग्लो आएगा, हमारी स्किन पर अगर डलनेस हुई है वो भी कम हो जाएगी, और डेड सेल्स टर्नओवर बढ़ाने की वजह से जो है ना कोलेजन की प्रोडक्शन भी करता है। कोलेजन की प्रोडक्शन को स्टूमुलेट करेगा, जिसकी वजह से इसका हल्का एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है विटामिन सी। मुझे इन डर्मा सेशन का विटामिन सी इसलिए पसंद आया क्योंकि इन्होंने जो है ना इसके ऊपर परसेंटेज डिस्क्लोज़ की है। बास कंपनियां, बहुत ज़्यादा कंपनियां जो है ना हमारी, वो परसेंटेज नहीं लिखती कि हमने कितना स्कॉर्बिक एसिड डाला है इसमें। तो इन्होंने जो है ना मेंशन किया हुआ है कि हमने विटामिन सी जो है ना वो 20% इसमें ऐड किया है, ठीक है ना। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है ना इसमें, वो है हेलोरोनिक एसिड। हेलोरोनिक एसिड मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने वेट से 1000 टाइम ज़्यादा वाटर रिटेन करने की, एब्जॉर्ब करने की। तो हेलोरोनिक एसिड जो होता है ना, ये एटमोसफेयर से भी, इन्वायरमेंट से भी जो है ना मॉइस्चर लेके हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, सपल करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है और उसकी वजह से रिंकल्स, फाइन लाइन्स आना शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग होता है हेलोरोनिक एसिड, ठीक है ना। इसके बाद इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट तीसरा इंग्रेडिएंट। मलबरी एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, ये एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, डलनेस को कम करने के लिए और डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए। नेक्स्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना, वो है एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है ना, इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई भी इन्फ्लामेशन हुई है, रेडनेस हुई हुई है आपके फेस पर, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग होता है आपकी स्किन के लिए एलोवेरा भी। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं,
एलोवेरा पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी, और इसकी प्राइस जो है ना वो 650 है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको। ऑयली स्किन वाले जो है ना, ज़्यादा ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको स्किन का कोई भी कंसर्न है तो मैंने हर एक पे वीडियो बनाई हुई है। अब नुमा नज़ीर लिखें और आपकी स्किन का कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसर्न है, वो साथ लिखें, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम का हल ज़रूर मिलेगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप शेयर करें मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइज़।